ऐश्वर्या टॉवल देना, ऐश्वर्या बेड पे टॉवल रख कर दे दो, दो ना। जा रही हो, पति हो तुम्हारा, अभी मुझसे भागोगी? सॉरी, मुझे लगा कि तुम ऐश्वर्या हो। खड़ी क्यों यहाँ पे? निकलो यहाँ से। तुम्हें अपनी बीवी में और कैरेक्टर में फर्क नजर नहीं आता? कोई स्टैंडर्ड्स है या नहीं तुम्हारे? शर्म आती है मुझे तुम पे। छी, अब हो गई गलती, माफ कर दो। कोई मामूली गलती नहीं की है तुमने। तुम्हारी इस गलती के लिए तो तुम्हें क्या 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 तुम्हें हा? इस गलती के लिए तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। अपने हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? केयर टेकर अपने आप को बहुत मालकिन समझने लगी है ना, अभी इसकी सारी मालकिन गिरे निकालती हूँ। ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी ना मैं इसकी। जैसे ही मालकिन ताओ में आके इस कुर्सी पे बैठेंगी ना, वैसे ही खुजली से तड़पने लगेंगी। लक्ष्मी, I'm sorry. तो मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया था। आज जो भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, तब तक मैं इस कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगा। क्या? पहले माफी फिर कुर्सी। क्या? ये अच्छा ठीक है, कर दिया माफ। ओके। क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं हो रही है। क्या? बहुत जोर से खुजली हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। आप रुकिए, मेरा ये कमकल आकाश ने क्या कर दिया? सुनिए, आप शर्म उतारिए जल्दी, हम उतारे मेरे का लेप लगा देते। नहीं रहने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। बात सुनिए मेरी, इससे आपको आराम मिलेगा, खुजली मिट जाएगी। उतारिए शर्म। देखो लक्ष्मी, पहले ही बहुत हंगामा हो चुका है, तुम ये लगाओगी और ऐश्वर्या ने देख लिया तो और हंगामा होगा। ओ, मतलब आप अपनी पत्नी से डर रहे हैं, है ना? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लगाओ लेप। We'll be right back.
पति को हाथ लगाने की? ऐश्वर्या, एक्चुअली मुझे बहुत जोर से खुजली हो रही, तो लक्ष्मी ने मुझे लेप लगाया, उससे खुजली कम हुई, तुम उल्टा उसी को डांट रही हो। चुप करो तुम और चलो मेरे साथ। और खबरदार जो मेरे पति को हाथ भी लगाया, क्योंकि तुम्हारा अधिकार इस घर पे है, मेरे पति पे नहीं। ऐश्वर्या, अगर लक्ष्मी नहीं आती ना तो मेरा खुजा खुजा के बुरा हाल हो जाता। क्या उन्होंने कुर्सी पर खुजली का पाउडर डाल दिया? हाँ दादी माँ, बेचारे अंग्रेजी रोज पे बैठ के बहुत तड़प रहे हैं वो। नंदिनी, पानी सर के ऊपर चला गया है, अब पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया है। चिंता मत कीजिए दादी माँ, एक रात में पता चल जाएगा कि ये काम किसका है। लेकिन कैसे? यही तो चाहती थी लक्ष्मी। मुझे तो लगता है कुर्सी पर उसी ने खुजली का पाउडर डाला होगा, ताकि किसी बहाने वो आकाश की शर्ट उतरवा कर उसके पीठ पे लेप लगा सके। बहुत चालाक है भाई लड़की, बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है उसने तुम्हारे पति को अपना बनाने का। पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां बैठने तो लक्ष्मी वाली थी, मैंने ही रोका उसे। जरूर ये हरकत किसी और की, अब पता करना होगा कौन है वो। अभी लकड़ियां बताएंगी कि उस कुर्सी पे खुजली वाला पाउडर किसने डाला था। सीता मैया, अंग्रेजी हीरो को खुजली की वजह से बहुत दर्द सहना पड़ा था, लेकिन वो दर्द हमसे सहन नहीं होगा। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी कोशिशें कामयाब हो और हम असली गुनहगार तक पहुंच सके। जेठानी जी। हां जी, यहाँ आइए। ऐश्वर्या, तुम भी यहाँ आओ। मेरी कुर्सी पे किसी ने खुजली वाला पाउडर डाल दिया था, जिसकी वजह से आकाश जी को बहुत तड़पना पड़ा। अरे ओ गोबरगंज की महारानी, तू हम पे इल्जाम लगाना चाहती है? सबूत क्या तेरे पास इस बात का, बोल। अभी तो सबूत नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये लकड़िया बाबा भूरानाथ की दी हुई, उन्होंने अपने मंत्र इसमें फूके, तो ये लकड़िया अब मैं आप सबको दूंगी, और जिसने भी ये खुजली कांड किया है उसकी लकड़ी अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। अपना दिमाग बाजार में बेच आई हो क्या? मैं नहीं मानती अंधविश्वासी बातों को। लकड़ियों से इतना डर है लक्ष्मी, इसका मतलब ये है कि गुनेगार हमारे सामने है। गुनेगार? किस बात की गुनेगार? मैं खुजली वुजली जैसी छोटी चाल नहीं चलती, मैं तो बड़। मेरा मतलब है कि मैं नहीं मानती अंधविश्वासी बातों में। प्लीज, सही कह रही है बड़ी बहू जी, गुनेगार तो हमारे सामने ही है। कोई गुनेगार नहीं हूं मैं। अच्छा ठीक है, लाओ दो लकड़ी दे। ज्योति जी और मोहिनी को मैं खुद लकड़ियां देके आ जाऊंगी। रुकिए, आप सबको लक्ष्मी का नियम तो याद है ना? उसका पहला नियम यह है कि नाश्ता करने से पहले आप लोग पूजा करेंगे। जब पूजा करने आओगे आप लोग, तब ये लकड़ी साथ में लेकर आइएगा। ए चल कमिया, लकड़ी लेके चल। हमें तो बताओ इन लकड़ियों से तुम क्या करने वाली हो? एक कोशिश कर रहे दादी माँ, आशीर्वाद दीजिए कि सफल हो जाए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये लड़की ने सुमित्रा चाची को इतनी जल्दी अपना कैसे बना लिया? जरूर इसने कोई जादू टोना किया होगा उनपे।
कहीं ये सच में जादू टोना वाली लड़की तो नहीं है? ये लकड़ी अगर सच में बड़ी हो गई तो क्या करूं, कैसे छुपाऊं अपनी सच्चाई? फैसले की घड़ी आ चुकी है, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। होश में आकाश, तेरी शादी हो चुकी है, फिर क्यों इस केयरटेकर के बारे में इतना तू सोच रहा है? चलिए आप सब अपनी लकड़ियां दिखाइए मुझे। लकड़ियां? कैसी लकड़ियां? रुकिए, अभी पता चल जाएगा। पीजिए। काम्या जी, मैं नहीं दूंगी कोई लकड़ी वकड़ी। और तुम क्या कोई घर की मालकिन हो जो तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं? चोर की दाढ़ी में तिनका पड़ी बहू जी, देख लीजिए असली गुनेगार आपके सामने। दरअसल इन लकड़ियों में कुछ भी नहीं था, ये तो बस मैंने एक नाटक रचा था ताकि असली गुनेगार सामने आ जाए। पता था मुझे जिसने भी ये काम किया होगा वो अपनी लकड़ी देने में आनाकानी करेगा, और आपने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। वाह लक्ष्मी, मान गए तुम्हें। ये लक्ष्मी तो मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार निकली। काम्या, क्यों किया तुमने ऐसा? वो मैं सासू माँ की बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। जेठानी जी को अपने कर्म का फल मिला है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। लक्ष्मी, तुम्हारा हक है काम्या को सजा देने का। नहीं जेठानी जी, आज काम्या को उसकी किए की सजा मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मी, दो काम्या को सजा। मैं दूंगी सजा। तो आपकी सजा ये है कि आज रात को ग्रह शांति की पूजा की सारी जिम्मेदारी आपकी। लक्ष्मी, ये कैसी सजा है? सजा नहीं है ये, सलाह है कि जब पाप ज्यादा हो जाए तो थोड़े पुण्य कमा लेने चाहिए। इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि काम्या जी भी थोड़े पुण्य कमाए। वैसे भी सजा देने वाली मैं कौन होती, वो तो भगवान जी देंगे। जिस लक्ष्मी के लिए आप लोग साजिशें रच रहे थे, वो लक्ष्मी आप लोगों के अच्छे कर्मों का रास्ता बना रही थी। अब जाओ, अब पूजा की तैयारी करो। जी, कामे चाची, मुझसे नहीं होगा ये। काम तो करना होगा, इस घर के पूजा का एक एक काम घर की बहुएं ही करती है, तो तुम्हें भी करना ही होगा। नहीं नहीं काम्या चाची, मैं तो इसकी बदबू से ही मर जाऊंगी, मुझे ये सब नहीं करना है। पर नंदनी तो उसमें एक्सपर्ट थी। हाँ, तभी तो सुमित्रा चाची की चहेती थी। देखो ऐश्वर्या, तुम्हारे पास ना मौका है, मौके पे चौका मार दो और सुमित्रा चाची की आंखों का तारा बन जाओ। हाँ चल, जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी उपले बनाओ, अच्छे से जल्दी जल्दी उपले बनाओ, मैं किचन का काम निपटा के आती हूँ। हाँ Thank you.
बस आज तक छोड़ दीजिए, मना मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ बहुत व्यस्त है, लेकिन घर में शाम को पूजा है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए कृपया करके छोड़ दीजिए। और हाँ, शाम को पूजा से पहले आ जाइएगा। मेरे आने से दादी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्यों हूँ मैं पूजा में? एक राज की बात बताऊं, उन्हें फर्क पड़ता है, और सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें दर्द भी होता है, पोते से दूरी बनाने का दर्द। देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर आप उनका दिल खोलकर देखेंगे तो उसमें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखेगा। अगर प्यार करती ना, मुझे ऐसे प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करता। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपसे प्यार नहीं करती, उसे आपसे नाराज है। नाराजगी की एक अच्छी बात जानते हैं कि वो समय के साथ दूर हो जाती है। तुम एक बात बताओ, दादी तुम पे इतना मेहरबान क्यों हो रही है? ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था, पता उन्होंने क्या कहा? उन्हें मुझ पे अपनी नंदिनी की झलक दिखाई देती है। देखिए, मैं जानती हूँ आपके मन में नंदिनी को लेके बहुत से जज्बात है, लेकिन आप खुद को दोषी मत समझिए। आपकी दादी भी ये बात जानती है कि आपने उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया होगा। नंदिनी के जाने के बाद मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता, मुझे अक्सर उसका चेहरा मेरे सामने दिखाई देता है। बेचैनी सी होती, मैं समझा नहीं पा रहा हूं तुम्हें। मेरे दिमाग से वो हादसा निकलता ही नहीं है। लक्ष्मी, मैं दुनिया को कैसे समझाऊं, मैंने उसको जानबूझ के धक्का नहीं दिया था, वो सिर्फ एक हादसा था। मुझे लगता है कि उस हादसे के बाद आप खुल के रो नहीं पाए। एक बार खुल के रो लीजिए ना, शायद अच्छा लगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.